बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज हम आपको अभी लेके जा रहे हैं साइमा एलीट विलास, साइमा वालों के विलास जो के स्कीम 33 में वाक़ हैं। और ये आप देख लें मेरे राइट हैंड पे किरण हॉस्पिटल, और अभी आ जाएगा बिल्कुल बराबर में मेमन हॉस्पिटल। ये आ गया मेमन हॉस्पिटल। ये सामने आपको जो दिख रहा है ये मेमन हॉस्पिटल है। और हम जो लेफ्ट हैंड पर जो टर्न होंगे, क्योंकि मैं हाईवे वाली रोड से आ रहा हूँ तो टर्न होंगे, तो ये साइमा एलीट विलास के लिए हम टर्न हो रहे हैं। अच्छा, ये रोड अभी इन्होंने सेट किया है क्योंकि पोजीशन हो रही है यहाँ पे। और मेरे जो लेफ्ट हैंड पे आपको नज़र आ रहे हैं घर, ये रिजविया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। और मेरे राइट हैंड पे जो है ये मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। तो हम अभी इस रोड पे आ रहे हैं और साइमा के विलास जो हैं, साइमा एलीट विलास इसी रोड पे हैं। तो ये सामने आपको थोड़ा बहुत कुछ नज़र आना शुरू हो गया होगा। और ये आ गए हैं साइमा वालों के विलास। और ये जो आपको सामने एक खूबसूरत सी मस्जिद नज़र आ रही है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये मैं आपको अभी साइमा के विलास के अंदर लेके जा रहा हूँ। ये आपको देखो दिख गई मस्जिद, ये साइमा वालों की मस्जिद है। तो मैं अंदर आ गया हूँ साइमा एलीट विलास के, और आप लोगों को ये वीडियो देखने में अच्छी लगेगी क्योंकि अच्छे बैंगलोज बने हुए हैं यहाँ पे। हाय हाय हाय, ये आ गए हैं साइमा के एलीट विलास। यार 120 गज के और 200 गज के बैंगलोज हैं यहाँ पे। हम अभी आपको कोई हो सकता है कोई एक बंगला जो है अंदर से भी दिखाएं। ये मैं गलियों में जा रहा हूँ। तो ये पूरा मैं आपको घुमाता हुआ लेके जा रहा हूँ साइमा एलीट विलास पे। अब कोई एक बंगला हम आपको अंदर से दिख। तो ये मैं आपको 120 गज़ का वन यूनिट बंगलो जो है ये साइमा एलीट विलास मैं दिखा रहा हूँ। ये इसके मैं टीवी लॉन्च में आ गया हूँ। और राइट हैंड पे जो है इसका ड्राइंग रूम, और ये इसका टीवी लॉन्च। सामने किचन है और पीछे इसके एक गली भी दी हुई है जिसके लिए आप पीछे वॉशिंग एरिया वगैरह है। और एक बेडरूम है नीचे, और दीवार में इसके वार्डरूम्स के लिए भी जगह दी हुई है। और ये इसकी सीढ़ियाँ, और ये इसका टेरेस, ये टेरेस है इसका। और ये तो है भी पार्क फेसिंग वाला घर। और दो बेडरूम जो हैं वो ऊपर दिए हुए हैं क्योंकि अभी ये बस फिनिशिंग हो रही है इसकी, फाइनली है। अच्छा, बाथरूम बहुत बड़ा दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप। इतना बड़ा बाथरूम जो है 120 गज में कहाँ होता है यार, मतलब मैंने तो नहीं देखा। बहुत बड़ा बाथरूम है। उसके साथ एक और बेडरूम है जो कि अभी लॉक पड़ा हुआ है। और फिर ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। तो ये हम आ गए इधर छत के ऊपर, और ये छत के पीछे का एरिया। और इसी तरह सारे घर बने हुए हैं। ये साइमा एलीट विलास का 120 गज का वन यूनिट बंगलो है जो मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत दिखाया, और बाकी फिर मैं बाहर से दिखाता हूँ। तो ये मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, ये साइमा एलीट विलास के 120 गज के बंगलोज हैं। और अभी मैं आपको सिंगल स्टोरी दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको ये
120 गज का सिंगल स्टोरी है, जिसके कारपोर्च से ही जो है वो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ये कारपोर्च है इसका, और सीधे हाथ पे इसका ड्राइंग रूम है। ये इसका ड्राइंग रूम सीधे हाथ पे, और ये है टीवी लॉन्च जिसमें हम जा रहे हैं। ये टीवी लॉन्च है, सामने किचन है, तो मतलब सामने किचन बनेगा इसका। अच्छा, ये सिंगल स्टोरी है, वाह। तीन चार कैटेगरीज हैं यहाँ पे, और ये इसका एक बेडरूम, और एक बेडरूम ये इसके बराबर में है, क्योंकि अभी हालत थोड़ी खस्ता है, मतलब अभी इसकी पोजीशन नहीं हुई है। तो ये मैंने आपको सिंगल स्टोरी साइमा अली विलास का सिंगल स्टोरी 120 गज का बैंगलोर दिखा रहा हूँ मैं। और फिलहाल बाकी मैं यहाँ पे 120 सिंगल स्टोरी, वन यूनिट 120, और 160 वन यूनिट, और 248 वन यूनिट मौजूद है। अच्छा, ये मैं 240 यार्ड्स के बैंगलोर के बाहर खड़ा हूँ, ये 240 यार्ड्स है, और ये मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। अच्छा, ये ऊपर जाने का रास्ता बिल्कुल अलग दिया हुआ है, और ये टीवी लॉन्च, ये बड़ा बनाया है काफ़ी, और ये इसका किचन। ये अब आई एंटर हुए आप, और ये ड्राइंग रूम इसका, फिर कॉरिडोर है, और उसके साथ तीन इसके बेडरूम हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे लाइट नहीं है। ये मैंने आपको इसका 240 यार्ड्स का बैंगलोर दिखा रहा हूँ मैं इसका। पीछे गली दी हुई है, और अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऊपर से भी दिखा दूँ। मैं ये 240 यार्ड्स का साइमा एलीट ग्लास, ये हम दोबारा पोर्च में आ गए हैं, और ये मैं फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर, नीचे तीन बेडरूम हैं, एक ड्राइंग रूम है, टीवी लाउंज है, और ये इसकी छत, और छत पे एक कमरा है, एक कमरा छत पे दिया हुआ है, और ये इसका टेरेस। तो भाइयों, ये मैंने आपको, और एक फैमिली बराबर में रह रही है, ये बराबर वाले घर में तो लोग रह रहे हैं, ये मैं आपको कोशिश करता हूँ और मज़ीद दिखाऊँ। अच्छा, एक कमरा यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये हम आ गए इधर। ये साइमा एलीट विलास 240 यार्ड्स का बैंगलो है, इससे पहले मैंने 120 यार्ड्स का दिखाया था आपको। तो ये साइमा एलीट विलास का मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, ये देख लें आप, ये इसकी मस्जिद, और इसके बिल्कुल अलावा मैंने किंग गार्डन, और ये पूरा मैंने अभी आपको अंदर से दिखाया, ये देख लें आप लोग। तो फिलहाल मैंने कहा आपको ओवरव्यू भी दिखा दूं कि ऊपर से देखने में कैसा लग रहा है साइमा एलीट विलास। तो ये सिंगल 120 गज का सिंगल स्टोरी बैंगलोर है, ये सामने ये आपको नज़र आ रहे हैं। और ओके भाइयों, मैं वीडियो क्लोज़ कर रहा हूँ, और जो लोग भी कांटेक्ट करना चाहे कंसल्ट कर सकते हैं उनसे, हम उनको हेल्प आउट कर देंगे। जो बेचना चाह रहे हैं, जो सेल करना चाह रहे हैं, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें।